हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास टी लॉन्चर में ये एरर आ रहा है तो आप इजीली इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमेंट टाइप करना है, इस तरीके से आपको टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाइए, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रबल शूट, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आप इसको क्लोज कीजिए। ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, आपको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑल सेटिंग्स को आपको क्लोज कर देना है। फिर आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।